Hey guys, this is Saurabh from TechBattle. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMD Ryzen 7 के लेटेस्ट जनरेशन की। तो हमने रिसेंटली हमारे फ्रेंड के लिए एक PC बिल्ड किया है जो कि है 70,000 रुपीस का PC बिल्ड। इसमें हमने AMD Ryzen 7 का थर्ड जनरेशन यूज किया है। सो इस वीडियो में हम वो PC बिल्ड बताएंगे और हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे जो Ryzen 7 के साथ रहा। तो हम एंड में ये भी बताएंगे कि आपके नीड के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेटर रहेगा, इंटेल के प्रोसेसर या AMD के प्रोसेसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा PC बिल्ड है वो है एडिटिंग PC बिल्ड। वो एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस किया है और गेमिंग पे नहीं। इसके लिए हमने प्रोसेसर पे ज़्यादा स्पेंड किया है और GPU पे कम स्पेंड किया है। तो जो हमने प्रोसेसर इसमें यूज़ किया है वो है AMD Ryzen 3700X। ये प्रोसेसर है लेटेस्ट जनरेशन का जिसमें है 8 कोर्स और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो इसमें जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो है GTX 1060 जो कि है 3GB का ग्राफिक कार्ड। हमने इसमें 1600 वाली सीरीज़ नहीं ली है क्योंकि ये गेमिंग के लिए नहीं है, एडिटिंग के लिए है। तो इसमें हमने ज़्यादा स्पेंड किया है प्रोसेसर में। इसमें हमने 16GB का रैम और 250GB की सैमसंग SSD यूज़ की है। तो जो हमने हार्ड डिस्क यूज़ की है वो है 1TB की और जिसमें पावर सप्लाई यूनिट हमने यूज़ किया है वो है कॉर्सर का 550W का। ये सबको असेंबल करने के लिए हमने ये वाला कैबिनेट यूज़ किया है। तो ये रहा हमारा एडिटिंग PC बिल्ड और अब हम बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस Ryzen 7 का। तो जो AMD 3700X है वो अभी लॉन्च हुआ है और ये AMD का लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। तो अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो ये इंटेल के i7 के साथ कम्पीट करता है, बट हमारी टेस्टिंग में इसका परफॉर्मेंस जो है इंटेल के i9 जैसा है। तो इससे मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। तो ये रहे इसके कुछ बेंचमार्क स्कोर्स। तो अब बात करते हैं सिनेबेंच स्कोर से जिसको हमने i9 के साथ कंपेयर किया है। तो जो मल्टीथ्रेड स्कोर है वो है 4866 और जो i9 का है वो है 4877। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये काफ़ी सिमिलर है। तो अगर सिंगल थ्रेड की बात करते हैं तो इसका स्कोर है 506 और वहाँ i9 का है 485। तो यहाँ ये बीट भी कर रहा है i9 को। तो अगर मैं इसके मैक्सिमम क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो इसकी क्लॉक स्पीड है 4.37 GHz और वहाँ i9 का अप्रॉक्सीमेटली 5 GHz है। तो अगर CPU मार्क के स्कोर की बात करूँ तो इसका स्कोर है 23800 और i9 का है 19692। और वहीं ब्लेंडर के 3D रेंडरिंग की बात करूँ तो AMD वाली का स्कोर है 25.9 और इंटेल i9 का है 24.2। तो बात करते हैं इसके एडोबी प्रीमियर के रेंडरिंग स्पीड की। तो हम अगर इसमें एक्सपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 24 सेकेंड लेता है 1080p के वीडियो के लिए। तो अगर हम 4K का वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको टाइम लगता है कुछ 1:32 विथ कलर ग्रेड। तो बात करते हैं इसके हेवन बेंचमार्क की। तो इसका जो GPU का स्कोर है वो नियर है 1500 के। तो ये नियरली आपको सभी गेम में 60 FPS का फ्रेम रेट देगा। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो अगर आप अपने लिए गेमिंग PC बनाना चाहती हैं जो सिर्फ फोकस होगा गेमिंग में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंटेल के प्रोसेसर, क्योंकि अभी भी इंटेल के प्रोसेसर आपको ज़्यादा फ्रेम रेट देंगे AMD से। बट वही बात होती है कि प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के लिए और गेमिंग आपका फोकस है तो आप इंटेल के लिए जाइए। और अगर आपको कोई भी दूसरा काम हो जैसे एनिमेशन और एडिटिंग, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा AMD के प्रोसेसर। और आपको ये PC बिल्ड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको PC बिल्ड करना है तो सारे कंपोनेंट्स के लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको PC बिल्ड से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं contact@techbattle.gmail.com पे। और अगर आपको PC बिल्ड सीरीज के और वीडियोज़ देखना जैसे 30,000 का PC बिल्ड और 50,000 का बिल्ड, तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिए चैनल को, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए।